तो दोस्तों जय श्री राम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं इस चैनल का होस्ट आप सभी का दोस्त जतिन पटेल। तो दोस्तों आज का व्लॉग है, आज 22 जनवरी 2024 है जो हमारे श्री राम मंदिर जो है तो उसका उद्घाटन है। तो अपन लोग अयोध्या तो जा नहीं पाएंगे, वहाँ है तो यहाँ कोरबई का माहौल मैं दिखाता हूँ आपको क्या है कैसा है। तो अभी ये हमारे पटेल पारा में कलश यात्रा का मतलब प्रोग्राम है, तो अभी ये निकलेगा तो वहाँ का थोड़ा दिखाऊंगा और बाकी कोरबा में जो है मतलब क्या क्या माहौल है, और शाम को हसदेव घाट में भी है कुछ प्रोग्राम, तो वहाँ का पूरा मैं दिखाऊंगा व्लॉग, तो बने रहिए वीडियो में और बाकी मिलते हैं आगे। तो दोस्तों अपन का कलश यात्रा जो था पटेल पार में वो पूरा हो चुका है और अभी शाम के 4:30-5 बज रहे, तो अभी अपन कोरबा निकलेंगे, घूमेंगे, इधर जाएंगे सीतामढ़ी और कुछ मतलब राम मंदिर वगैरह निहार के तरफ, और इधर ये भाई लोग दोनों लोग इधर देखो यार, और इधर भैया लोग बोलो भैया इधर नरसा जा हाय कर दो सब, जय श्री राम जय श्री राम सब ये भाई लोग हैं। और बाकी आगे में माहौल में मिलते हैं, तो बने रहिए व्लॉग में, और ये अपना गाड़ी यहाँ पर भी लिखा भाई जय जय श्री राम, तो मिलते हैं आगे रैली में, तो बने रहिए ब्लॉग में। तो दोस्तों अपन लोग यहाँ पर है, ये साथ में निखिल है और ये और बाकी इधर पीछे में श्रुति लोग भी हाय कर उधर श्रुति और श्रेया, और बाकी फिर इधर सब दोस्त लोग हैं, तो आगे में मिलते हैं माहौल में आगे, मतलब अभी जाएंगे देखेंगे निहारिका जा रहे हैं घंटा घर, वहाँ का माहौल जो भी जैसा रहेगा तो बने ये ब्लॉग पे। उधर है क्या माहौल कुछ ऐसी दिख रहा है तो दोस्तों आप
लोग आ गए हैं निहारिका, यहाँ पर ये रैली है, शायद यहाँ डीजे है कुछ, वो तो है, और ये सब भाई लोग, और इधर सब निखिल आकाश लोग आते हुए। तो अपन लोग यहाँ पर ये जो फुटपाथ है स्ट्रीट, वहाँ पे चल रहे हैं, और बाकी आगे का माहौल मैं दिखाता हूँ आपको। एकदम ना बहुत ही ज़्यादा भीड़ और मस्त माहौल है। बाकी बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं आगे।
तो दोस्त अभी माहौल खत्म हो गया और ये सब यहाँ पर लोग फोटो खिंचाते हैं। श्रुति श्रुति इधर इधर, कैसा लगा? कैसे लगा? ठीक लगा? फाइनली मैं फ्रेंड्स आप लोग से तीन साल बाद मिले व्लॉग में, जाते हैं व्लॉग में, मैं व्लॉग में फिर अच्छे से। और तुम लोगों को इधर मजा आया? पार्थ कैसा लगा? अच्छा लगा ना? श्रेया तेरे कैसा लगा? बढ़िया। और इधर अपन को भी बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे फोटो वगैरह मस्त खींचा है। अभी माहौल मतलब खत्म हो गया, यहाँ पर पीछे में डीजे वगैरह बज रहा था, और बाकी अब देखते हैं आगे, अब टाइम भी हो गया तो बाकी मिलते हैं आगे। और ये पूरा क्राउड इधर का, ये यहाँ पे मूर्ति है श्री राम जी की। तो दोस्तों अपन लोग घूम फिर के आ गए हैं इधर अपने घर में, और बहुत एकदम थक गए हैं, तो सब भाई भाई लोग चले गए हैं, श्रुति लोग और दोस्त लोग निकल गए, सब लोग घर पर चले गए हैं अपना, और मैं भी अपना घर पहुंच गया हूं। और अभी टाइम हो रहा है 9:30 हुई, तो बहुत ही अच्छा माहौल था दोस्तों, मैं पूरा दिखाया, मतलब वहाँ सामने जो हरदे नदी के आगे जो बालू रेत रहते हैं वहाँ पे मतलब राम जी की मूर्ति या शायद कुछ रंगोली से कुछ बनी हुई थी, तो वहाँ से नदी में नाव पार करके लेके जाने देते थे, तो अभी मतलब नाव अब चल नहीं रहा था, तो मतलब वहाँ का सीन नहीं दिखा पाया। बाकी इधर डीजे वगैरह भी लगा था, डीजे देव ऑडियो प्रोफेशनल था सर, तो वो भी जाने के टाइम मतलब बंद हो गया, क्या अपन का लेट हो गया, नहीं इधर निहार की तरफ रैली में गए थे माहौल में, तो उस वजह से। बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों व्लॉग इतना था, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल जतिन पटेल व्लॉग को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और बाकी इधर लंबी रंगोली बनाई हुई है, ये देख सकते हैं, ये वाला सब दिया भी साइड में पूरा।